अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा वाहिद, कैलिफोर्निया रियल स्टेट एंड बिल्डर, बहरिया टाउन कराची से। आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत ही इंटरेस्टेड है। आज की जो हमारी वीडियो है उन क्लाइंट्स के लिए जो हमें फोन करके पूछते हैं कि बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से ऑप्शन मौजूद है। आज हम आपको बताएंगे कि बहरिया टाउन कराची में विलास में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या कमर्शियल में। तो इसी हवाले से हम डिस्कस करेंगे सर शकील से और हम इनसे पूछेंगे कि बहरिया टाउन कराची में इस वक्त हमें कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जी सर, हमें बताएं कि बहरिया टाउन कराची में कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं और अभी हमें इस वक्त कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। वैसे तो बहरिया टाउन कराची में बहुत सारी स्टेट है इन्वेस्टमेंट की, बहुत सारे आप ऐसी तो आज थोड़ा सा डिटेल के साथ बताता हूँ कि इस वक्त विलास में करनी चाहिए या कमर्शियल। तो हर बंदे की कोशिश होती है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी जगह पे करे जहाँ पर उसको आरओआई भी अच्छा मिल जाए और इसके साथ साथ रेंटल इनकम जो है ना वो भी उसको आती रहे। तो हम कंपैरिजन करते हैं विलास के विलास को कमर्शियल के साथ। तो अगर हम बहरिया टाउन कराची का जो सबसे फेमस विलास है, स्पोर्ट्स की विलास है, वो शुरू से ही उनकी जो है ना वो अच्छी लगी है। तो इस वक्त अगर हम मौजूदा रेट्स की बात करें तो आपको तकरीबन 2.30 करोड़ से लेके 2.50-60 लाख तक जो है ना 3 करोड़ तक भी मिला जाता है एज पर लोकेशन का, ठीक है ना। अगर हम इसके रेंट की बात करें तो उसका जो मंथली रेंट है वो तकरीबन 35,000 से 40,000 आपको मिलता है। अगर यही बजट, यही इन्वेस्टमेंट आप किसी भी कमर्शियल के ग्राउंड फ्लोर में करते हैं तो एक तो आपका जो है वो आरओआई बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि रियल स्टेट सेक्टर में जो ग्राउंड फ्लोर की शॉप है वो उसकी अपनी एक वर्थ है। तो अगर आप शॉप में इन्वेस्टमेंट करते हैं यही बजट पे रहेंगे, बहुत सारी ऑप्शन मौजूद होते हैं। तो एक तो आप आरओआई भी अच्छा आपको मिल जाता है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी ऑपरेशन भी अच्छी है, और इसके साथ साथ अगर हम रेंट की बात करें तकरीबन आपको 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक, आराम से 2 लाख तक भी आपको रेंट मिल जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इन्वेस्टमेंट पर्पस से, खासकर हमारे जो ओवरसीज क्लाइंट होते हैं बहुत सारे ऐसे जो इन्वेस्टमेंट के पर्पस से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट टाइम है, बेस्ट ऑप्शन है, तो वो किसी भी ग्राउंड फ्लोर जो है शॉप पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी सर, आपने बहुत अच्छे ऑप्शंस बताए। आप ये बता सकते हैं कि बहरिया में आप कौन से बिल्डर को रिकमेंड करेंगे अभी? देखो जी, इन्वेस्टमेंट करने से पहले हर बंदा जो है वो अपनी वेरीफाई करता है कि किसी ऐसे बिल्डर के साथ या किसी ऐसी लोकेशन पर इन्वेस्टमेंट की जाए जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर हो। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कैलिफोर्निया बिल्डर जो है वो एक बाय फार अदारा है जो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने प्रोजेक्ट डिलीवर भी किए हैं और इस वक्त भी मौजूदा करंट सिचुएशन में भी अपने जितने भी उनके प्रोजेक्ट हैं उनकी कंस्ट्रक्शन अपडेट थ्रू सोशल मीडिया अपने क्लाइंट तक पहुंचाते रहते हैं। तो कैलिफोर्निया इज ए बेस्ट बिल्डर फॉर योर इन्वेस्टमेंट। अच्छा, कैलिफोर्निया बिल्डर्स के बारे में बताता हूं, इनके ऑलमोस्ट 12 प्रोजेक्ट हैं जिनमें रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है, और जितने भी प्रोजेक्ट हैं सब के ऊपर काम हो रहा है। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ कि हमारा जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है डिफरेंट लोकेशन पे है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में जब मतलब ऑपरेशनल हो जाएगा तो डेफिनेटली लोगों को नीड है, आपकी जिस तरह रोजमर्रा जिंदगी की जरूरत है, जिस तरह दूध दही है या ग्रोसरी है या सैलून वगैरह, इस तरह की जो डेली बेस पे नीड होती है ना उसकी अभी काफी स्पेस है बहरिया टाउन कराची में। ठीक है सर, आप मुझे ये बताएं कि बहरिया टाउन कराची में कौन सी लोकेशन को आप रिकमेंड करते हैं? देखिए जी, कैलिफोर्निया बिल्डर्स ने जितने भी आज तक अपने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं ये बेसिकली कंपनी है ही कंसेप्ट बेस पे प्रोजेक्ट को लॉन्च करती है। हमारा बीटी के होलसेल बाजार है उसमें जितनी भी होलसेल की मार्केट्स हैं जो सदर बाजार में हैं, जोड़िया बाजार में हैं, वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह इधर शिफ्ट हो रही है। इसी तरह जो हमारा डॉक्टर प्लाजा है वो स्पेशली जो है हेल्थ केयर रिलेटेड है, वहाँ जितने भी डॉक्टर हैं मेडिकल यूनिट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उधर ओपन किए जाएंगे। इसके अलावा कोई और जो है आप कारोबार में कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारा टेक मॉल है, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आप जितनी भी शॉप है, जिस तरह ओवन हो गया आपका, कंप्यूटर है, प्रोसेसरी है, लैपटॉप है, मोबाइल के रिलेटेड कोई भी चीज़ है, मतलब टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितने भी ब्रांड हैं हमारे टेक मॉल में ओपन करने की इजाज़त होगी। इसके अलावा आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। तो इसी तरह हमारे पास डिफरेंट लोकेशन पे मल्टीपल ऑप्शन मौजूद है,
लोकेशन में आपको बताता चलूँ कि प्रीसेंट 4 का हमारा कमर्शियल है, कहना प्रीसेंट 3 का कमर्शियल है, मिडवे ए के बिल्कुल हेड ऑफिस के सामने हमारा एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, इस तरह थीम पार्क है, एडवेंचर लैंड है, जो कराची सिटी से लोग अपने बच्चों के साथ इस एडवेंचर लैंड को एंजॉय करने आते हैं, उसके गेट के बिल्कुल सामने हमारा प्रोजेक्ट है, प्रीसेंट का गेट का हमारा कमर्शियल है, इस तरह डेंजो कमर्शियल है जो प्रीसेंट 90 के अपार्टमेंट है उसके सामने है। तो हमारे पास डिफरेंट लोकेशन पर प्रोजेक्ट बन चुके हैं, कोई बंदा जहाँ भी अपनी मर्जी की लोकेशन चूज करके अपनी मर्जी की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वहाँ कर सकते हैं। अच्छा, कैलिफोर्निया बिल्डर्स की मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये हमेशा जो है ना सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी रही है। बहरिया टाउन कराची के हवाले से किसी का कोई भी मसला हो, चाहे क्लाइंट्स का हो, चाहे वो एंड यूजर का हो, चाहे इन्वेस्टर का हो, या डीलर्स का हो, या किसी बिल्डर का हो, अल्हम्दुलिल्लाह कैलिफोर्निया बिल्डर्स जो है ना वो हमेशा से इस मामले में एक कदम आगे रही है, लोगों के साथ उनके लोग पे जो भी मसले मसाइल हैं उनको जो है वो सॉल्व किया और पॉजिटिव दे दिया है। तो इसी तरह जितने भी बहरिया टाउन कराची के अफेक्टेड हैं जिनकी फाइल्स आउट ऑफ बाउंड्री हो चुकी है या क्राइम फाइल है या ब्लॉक फाइल है, तो ये जितनी भी फाइल्स हैं हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में आप मर्ज करवा सकते हैं। तो आप इसके हवाले से आपका कोई भी मसला हो, इन्वेस्टमेंट के हवाले से हो, या कोई भी आपका बहरिया टाउन कराची के बारे में सवाल हो, तो कैलिफोर्निया बिल्डर इज द बेस्ट बिल्डर। थैंक यू सर। तो ये था हमारा टॉपिक इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अगर आप बहरिया टाउन कराची में कैलिफोर्निया बिल्डर के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रابطہ करें। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।